शुक्रवार राति प्राय 10:50 रे पूर्व तट रेलवे रो संबलपुर डिविजन अंतर्गत कंटाबांजी स्टेशन निकट रे एक मालवाही ट्रेन रो चारोटी वागन लाइन च्युत होबारु खसी पड़ा। ए घटना रे उभय लाइन रे ट्रेन चलाचल व्याहत होइतिला। रेलवे रो वरिष्ठ अधिकारी माने घटनास्थल रे पहुंचि शीघ्र ट्रेन चलाचल पुनरुद्धार पई समस्त प्रयास करा जाइछि। कंटाबांजी में रात में 11 बजे के आसपास ये डेरेलमेंट हुआ, जिसमें कि चार वैगन हमारे डेरेल हो गए और चारों चूंकि लोडेड वैगन थे, सब में चावल का लोड आ रहा था बेलसोंडा से, वो हाँ ट्रैफिक था जो है। तो ये अब डेरेलमेंट होने के बाद ऐसा डेरेलमेंट हुआ कि एक वैगन दोनों लाइनों को इन्फ्रिंच कर रहा था, तो दोनों लाइनों के इन्फ्रिंच करने की वजह से जो है फिर सारी अप एंड डाउन सब बंद करनी पड़ी। फिर रात में ही सब लोग तुरंत एक्शन में आए और काफ़ी तेज़ी से काम करके टाइमली क्लियर कर दिया। हालांकि यात्रियों को इसमें असुविधा हुई है, तीन गाड़ियां हमारी वो डिटेन हो गई रास्ते में। अभी एक तुरिया कला में है और उसके पहले और भी दो और चार गाड़ियां इस समय डिटेन हो गई हैं, और यहां से जो चलती है वो तो राइट टाइम चला दी गई है, बट यात्रियों को इसमें असुविधा तो हुई है, उसके लिए हम ज़रूर खेद है। बट वो पैसेंजर ट्रेन जो है जो हुई हैं वो कुछ तीन गाड़ियां कैंसिल करनी पड़ी हैं जी। अभी नॉर्मल है, अब मेन लाइन से गाड़ियां चलती रहेंगी। हाँ, मेन लाइन से गाड़ियां चलेंगी, कुछ जो क्रॉसओवर्स वगैरह होते हैं वो अभी बंद रहेंगे और मतलब समय रहते हुए उनको कार्य करके उनको भी एक दो दिन में फिट कर लेंगे जी। अब कारण तो अब एक कमेटी बनेगी, वो देखेगी, इसको एग्जामिन करेगी, सारे एस्पेक्ट्स देखेगी। और रेलवे में एक सिस्टम है कि मतलब वो कमेटी जो है सबसे इंटरव्यू करती है, सबसे बातचीत करती है, सारा मुआयना करती है। मुआयना करने के बाद फिर वो एक डिसाइड करेंगे कि कैसा इसका क्या एक्चुअल कारण, तो कमेटी फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद बता पाएगी, ऐसे तो बताना मुश्किल है। कुछ ऐसा नहीं है, बस डेरेलमेंट का ये है कि चार वैगन डेरेल हुए हैं और डिटेल्ड रीजंस तो कमेटी करने के बाद ही पता चलेगा। जो लापरवाही है, जिसकी जिसका दोष है, उसके अगेंस्ट तो कार्रवाई होगी ही होगी, ये तो रेलवे का।